ओके सो दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस एनएफटी को लेकर, मेटामास्क वैलेट एप्लीकेशन को लेकर या फिर ओपनसी ऐप को लेकर बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस बनाकर रखी हुई थी, जिसमें दोस्तों एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहा था कि कैसे हम 1000 से या फिर 10000 एनएफटी कलेक्शन को एक साथ में कैसे बनाएं, वो भी मोबाइल से। तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और दोस्तों फाइनली मुझे वो तरीका मिल गया कि जिसकी मदद से आप 1000 एनएफटी या फिर 10000 एनएफटी कलेक्शन को सिर्फ एक क्लिक में बिना किसी कोडिंग के, बिना कोई प्रोग्राम रन किए बहुत ही आसानी से आप मोबाइल से बना पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पर पहली वीडियो होगी जिसमें आपको सिखाया जा रहा है कि मोबाइल से आप 1000 एनएफटी या फिर 10000 एनएफटी कलेक्शन को एक ही क्लिक में बिना किसी कोडिंग के, बिना कोई प्रोग्राम रन किए बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये तरीका मिला है जिसकी मदद से आप 1000 एनएफटी बहुत ही आसानी से एक क्लिक में बना पाएंगे अपने मोबाइल फोन से। स्वागत है दोस्तों आपका एड एंड स्किल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको अर्निंग, स्किल, पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब से रिलेटेड जेन्युइन वीडियोज मिलती रहती है। सबसे पहले दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड द एनएफटी फाइल्स, तो सिंपल यहां पर इस वाले बटन पर आपको क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। इस जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको इस फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आपको एक्सट्रैक्ट टू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस फाइल को अपने मेमोरी में एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे यहां पर आपके फाइल मैनेजर में एक फोल्डर बन जाएगा। इस वाले फोल्डर को यहां पर आपको ओपन करना है। तो यहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा इनपुट का, इस वाले फोल्डर को जैसे आप ओपन करेंगे, इसी तरीके से दोस्तों आप जब भी अपना एनएफटी बना रहे हो तो दोस्तों यहां पर आपको सब कुछ फोल्डर बाय फोल्डर करके रख लेना है। जैसे कि एक में आप शोल्डर रख सकते हो, उसके बाद बैकग्राउंड एक में कर सकते हो एक फाइल में, और एक फाइल में अपना सूट, पिन, जो भी आप बनाना चाहते हो, जिस प्रकार की एनएफटी होगी उस तरीके से दोस्तों यहां पर आपको हर एक पार्ट एक एक फोल्डर में करके रख लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कई फोल्डर बन चुके हैं। हर एक फोल्डर में दोस्तों आपको उसी प्रकार के इमेज मिलेंगे, उसी प्रकार के एनएफटी आर्ट्स मिलेंगे जिस नाम का यहां पर फोल्डर बना हुआ है। दोस्तों उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद या फिर आप अपने खुद की एनएफटी बनाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर आना है। यहां पर आपको सर्च करना है रेयर मिंट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रेयर मिंट सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस वाली वेबसाइट को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रेयर मिंट्स वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, तो दोस्तों सिंपल यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद कैप्चा वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करने के बाद नीचे साइन अप के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद योर प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एड ए न्यू प्रोजेक्ट का, इस वाले ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रुप वाले बटन पर क्लिक करके आपको एक ग्रुप का नाम ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमने एक ग्रुप का नाम टेक बूट रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप एंटर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ग्रुप का नाम ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे अपने ग्रुप के नाम पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नीचे लेयर का ऑप्शन आएगा। इस लेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिस तरीके से आप अपने फाइल में अपने एनएफटी को सेव करके रखे हों जिस नाम से, उसी नाम से दोस्तों यहाँ पर आपको लेयर बना लेने हैं। तो जैसा कि मैंने वहां पर फर्स्ट फोल्डर बनाया था बैकग्राउंड के नाम से, तो यहां पर मैं बैकग्राउंड के नाम से लेयर बना लूंगा। यहां पर आप बैकग्राउंड वाला लेयर बनाने के बाद फिर से यहां पर आपको ऊपर इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे फिर से यहां पर आपके सामने लेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप मल्टीपल लेयर यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपके फाइल है उतने लेयर दोस्तों यहां पर आपको उसी नाम से बना लेना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको नया लेयर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस लेयर के बटन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको एक फोल्डर के हिसाब से वो सारे लेयर यहाँ पर आपको बना लेने। अब यहाँ पर आपको प्रत्येक लेयर पर बारी बारी से क्लिक करके सारे मटेरियल को अपलोड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फाइल ओपन हो जाएगी, अपने फाइल से बैकग्राउंड को अपलोड कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने फिंगर को रख के नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ओपन के बटन आएगा, इस ओपन के बटन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैकग्राउंड अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपका बैकग्राउंड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सूट का ऑप्शन आएगा, शोल्डर का ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से आप भी जो भी फोल्डर क्रिएट करे होंगे
वो सारे मटेरियल यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सारे लेयर में एनएफटी को अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना। दोस्तों यहाँ पर आपके सारे लेयर्स आपको दिख जाएंगे। अगर आपको और कोई भी लेयर ऐड करना होगा दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे लेयर का बटन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ कंप्लीट करने के बाद यानी कि यहाँ पर आपको लेयर लिखने के बाद और उस लेयर में उसी नाम का इमेज अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको जनरेट इमेज का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट इमेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इजीली थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो मोबाइल फोन है वो डेस्कटॉप मोड पर हो चुका है। यहाँ पर आप जितने भी एनएफटी बनाना चाहते हैं एक क्लिक में दोस्तों यहाँ पर आप डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ 100 एनएफटी बनाकर आपको दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पर 100 एनएफटी को कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपकी एनएफटी जनरेट हो जाएगी। 100 एनएफटी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती हैं। आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एनएफटी जो 100 एनएफटी हो ऑटोमेटिक सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। दोस्तों ये एनएफटी ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अनलिमिटेड प्रोजेक्ट जिप नाम का फाइल आपके फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल यहाँ पर आपको इस वाले फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सट्रैक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मेमोरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपका जो भी 100 एनएफटी था या फिर 1000 एनएफटी था आपके मोबाइल के फोल्डर में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फोल्डर बन चुका है अनलिमिटेड प्रोजेक्ट के नाम का। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। जैसे आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इमेज का। इस इमेज वाले फोल्डर को जैसे आप ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर 1000 एनएफटी या फिर 100 एनएफटी या फिर 10000 एनएफटी जितना भी एनएफटी आप बनाना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने एनएफटी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से।